नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। वेलकम टू लेट्स डिस्कस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस पढ़ चुके हैं। इस क्लास में यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि समर्स में अगर मिल्क रूम टेम्परेचर पर बाहर रह जाता है तो क्या होता है, वो दूध फट जाता है। अगर आयरन तवा पैन या नेल किसी भी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लग जाता है। ग्रेप्स का फर्मेंटेड होना, फूड का पकना और हमारी बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना और हमारा सांस लेना, ये सभी केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पर आप एक कॉमन थिंग नोटिस करेंगे कि इन सभी की नेचर और आइडेंटिटी ये चेंज हो चुकी है केमिकल रिएक्शन के बाद। तो किसी भी केमिकल चेंज को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन वह केमिकल चेंजेस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं प्रोडक्ट में बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। पर क्योंकि ये केमिकल चेंजेस हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है और एक्चुअली में इस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, आगे समझते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे जिनको देख के हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको आंसर यही लिखना है जो हम आगे इसमें बात करने वाले हैं। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में चेंज। यहाँ पे स्टेट का मतलब यूपी बिहार कर्नाटका नहीं है, स्टेट का मतलब है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। दूसरा सेकंड आपको जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा वो है चेंजेस इन कलर, कलर में चेंज। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। एंड चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में परिवर्तन। ये सभी ऑब्जर्वेशन से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस केमिकल रिएक्शन के डिस्क्रिप्शन को लिखना काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग एक शॉर्टहैंड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको सिंपलीस्ट वे में किस तरह से लिखा जा सकता है, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा जा सकता है। इस केमिकल रिएक्शन के डिस्क्रिप्शन को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इससे मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रादर देन केमिकल फॉर्मूलाज। यानी कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल फॉर्मूलाज में लिखने के बजाय शब्दों में लिखते हैं, यानी कि वर्ड्स में लिखते हैं, तो उसको वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। और ये वर्ड इक्वेशंस हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। द अबव इक्वेशन मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। द सब्सटेंस डेट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर द रिएक्टेंट्स। और इस केमिकल रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अ प्रोडक्ट। इस वर्ड इक्वेशन में हम केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए, यानी कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में चेंज होना दिखाने के लिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एरो का यूज किया जाता है और इसका एरोहेड प्रोडक्ट्स की तरफ रहता है और हमें रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है। इसके अलावा रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस के साइन के साथ लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड पे प्लस के साइन के साथ ही लिखा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद वाले पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।